एवरीवन, माय नेम इज रिति। वेलकम बैक टू आवर चैनल केजी प्लेसमेंट प्रेप। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कॉग्निजन की तरफ से। कॉग्निजन हायर कर रहा है 19, 20 और 21 बैच पास आउट्स को जेंसी डेवलपर रोल के लिए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है सो दैट कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो हम आ चुके हैं कॉग्निजन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक ऑफ कैंपस ड्राइव है 19, 20 और 21 बैच पास आउट्स के लिए। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपकी डेजिग्नेशन होगी जेंसी डेवलपर। लोकेशन आपकी पैन इंडिया होने वाली है। इसका मतलब यू शुड बी फ्लेक्सिबल टू रीलोकेट टू एनीवेयर इन इंडिया। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24th October midnight, लेकिन आपको लास्ट डेट तक का डिले बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही आप ये वीडियो देखकर फिनिश करते हो आपको इमिडिएटली अप्लाई करना है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन बहुत छोटा सा है, ना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है और ना ही सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन कॉग्निजन कोई पहली बार जेंसी डेवलपर प्रोफाइल के लिए हायरिंग नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंट बेसिस पर इस प्रोफाइल के लिए हायरिंग होती रहती है। तो अगर मैं लास्ट ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, कॉग्निजन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप एक BE, BTech, NE, MTech, MCA या फिर MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप सब लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैंने ये भी बताया था कि ये ऑफ कैंपस ड्राइव सिर्फ 19, 20 और 21 बैच पास आउट्स के लिए है। परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो कम से कम 60% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए 10th स्टैंडर्ड से लेकर टिल योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर ये भी मेंशन है कि जब आप अपनी एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को कंसीडर करना है। गैप क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम 2 years का गैप यहाँ पर अलाउड है। अगर आपका एजुकेशन गैप 2 years से ज्यादा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। इसके साथ साथ आपकी कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई पेंडिंग बैकलॉग है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ दोबारा मेंशन कर दिया है कि जॉइनिंग के टाइम पर, मतलब जब आपके सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन हो रहा होगा, अगर उस टाइम पे आपके 60% मार्क्स नहीं बन रहे होंगे तो आपको उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे आपने कॉग्निजन का इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया हो, स्टिल आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप कहीं पर भी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको अपने यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये था हमारा डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा जेंसी डेवलपर प्रोफाइल के लिए। इसके बाद अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मीट करते हो तो आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट का लिंक आएगा, और अगर आप वो एप्टीट्यूड टेस्ट भी क्वालिफाई करते हो तो आप पार्टिसिपेट करोगे सेकेंड राउंड में, जो कि होगा इंटरव्यू प्लस HR डिस्कशन। और फिर अगर आप ये राउंड 2 भी क्लियर कर लेते हो देन आपको मिल जाएगा जेंसी डेवलपर का ऑफर लेटर। ओके, अब बात करें टेस्ट पैटर्न की, तो एप्टीट्यूड राउंड में वही 3 सेक्शंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। और इंटरव्यू राउंड में आपकी टेक्निकल एबिलिटीज को टेस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स की नॉलेज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ ही साथ एक डिसेंट प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर कोडिंग राउंड नहीं है तो आप समझ सकते हो आपका राउंड 1 कितना इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसी राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं जाते। तो मेक श्योर आप अपने एप्टीट्यूड स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो सो दैट आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले। ओके, अब बात करें नॉलेज किट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो अगर आप हमारी वेबसाइट www.knowledgekit.in को विजिट करते हो, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो बेस्ट प्लेसमेंट कोर्सेज में आपको हमारा एप्टीट्यूड मास्टर कोर्स दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करते हो तो कोर्स की सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। ये एक अल्टीमेट कोर्स है जो आपकी हेल्प करेगा एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में मास्टरी पाने के लिए। बेसिक टू एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कवर्ड है विद मेनी शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि गिवन टाइम में आप अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस कोर्स के ट्रायल वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, और फिर अगर आप इम्प्रेस होते हो कोर्स की क्वालिटी से तो आप बाय नाउ पर क्लिक करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। फ्री वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आपको एनरोल फॉर ट्रायल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो स्टूडेंट्स के फीडबैक आप रीड आउट कर सकते हो, ताकि आपको एक और आइडिया लग जाए इस कोर्स के बारे में। इसके
के बाद डिटेल में कोर्स के फीचर्स को भी आप रीड आउट कर सकते हो। ओके, ये था हमारा एप्टीट्यूड मास्टर कोर्स जो आपकी हेल्प करेगा एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पकड़ बनाने में। नेक्स्ट कॉग्निजेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप जा सकते हो कॉग्निजेंट टेस्ट सीरीज के साथ। इस टेस्ट सीरीज की हेल्प से आप टोटल 426 कॉग्निजेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे, साथ ही साथ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप कवर करोगे, जिसकी हेल्प से आप टाइम मैनेजमेंट को सीख पाओगे इस टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल फॉर ट्रायल पर क्लिक कर एक मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हो। ओके, अब फाइनली बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आना है। इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आते ही आपको अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एंड देन आपको रजिस्टर एंड अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर एंड अप्लाई बटन पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। लेकिन अगर आपका सुपरसेट प्लेटफॉर्म पर पहले से कोई अकाउंट है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक अब हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अप्लाई करते टाइम अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।